हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूं अभिनीत और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों साहिल भाई का वीडियो एक आया है, बहुत ही कमाल का चल रहा है और बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा है, बहुत ही लोग इस पर कमेंट कर दिए हैं कि यह कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो दोस्तों इसी वीडियो को ट्यूटोरियल मैं आपको देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त विनीत और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इसी वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको क्लिक करके बेल का घंटी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल क्लिक करके रखो, क्योंकि इस चैनल पर डेली ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल आते रहता है, आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे भी आता है, मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको वीडियो शूट करना है, कैमरा स्टैंड पे लगाने के बाद गाने पे लिफ्टिंग कीजिए, उसके बाद से एक्टिंग करने के बाद आप खड़े होकर चुपचाप चले जाइए सीधे। दूसरी वीडियो जो शूट करना है ऐसे ही शूट करना है, कपड़ा चेंज करना है और खड़ा होना है, चले जाना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इफेक्ट लगाते हैं, स्लोमो कैसे करते हैं, स्मोक इफेक्ट कैसे लगाते हैं, जैसे आदमी जो चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्मूथली कैसे चेंज हो रहा है, ये सारा डिटेल्स इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को आप काइनमास्टर एप्लीकेशन में ले चलते हैं और वहाँ पे एडिट करके सिखाते हैं कि ये वीडियो कैसे बनेगा। तो चलिए आ गए काइनमास्टर एप्लीकेशन में, ये प्लस वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से 916 का रेशियो सिलेक्शन कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आपको मीडिया पे जानी है, मीडिया पे जाने के बाद आप जो अपना वीडियो जो शूट किए हैं वो वीडियो यहाँ से हम लेके आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला मैंने वीडियो शूट किया हुआ है, तो ये वाला मैं लेके आ जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखेंगे कहाँ से मैंने एक्टिंग करना स्टार्ट किया है, ठीक है। आपको मान लीजिए यहाँ से मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ से हम ले लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करने के बाद दोस्तों आप ध्यान से देखते रहिए जहाँ पे ये फर्स्ट पांव रख रहा है, मेरे पास उतना जगह नहीं है तो इसलिए मैंने इसी पे बता दे रहा हूँ कि आप लोग जस्ट समझ जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट पांव जहाँ पे रख रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पांव रख रहा हूँ, तो यहीं पे हमको ज़रूरत है, यहीं पर हम वीडियो पर क्लिक करेंगे और सीजर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से स्प्लिटेड प्लेहेड करके वीडियो को बीच से काट लेना है आपको, ठीक है। काट लेने के बाद अब आपको ऑप्शन बताता हूँ दूसरा, आप कपड़ा चेंज करेंगे। कपड़ा चेंज करने के बाद आपको सिर्फ एकदम वहीं पे खड़ा होना है जहाँ पे आप पहले खड़े थे, ठीक है। और खड़ा होकर एकदम वैसे ही चलना है जैसे आप चले हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट पांव जैसे आप रख रहे हैं ऐसे करके फर्स्ट पांव रखे हैं, तो यहीं पे इसको भी हम रख लेंगे और यहाँ पे वीडियो पे क्लिक करेंगे, सीजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्प्लिटेड प्लेट करके काट लेंगे और इसी वीडियो पे दोस्तों क्लिक करेंगे। यहाँ से देखेंगे थ्री डॉट का एक ऑप्शन मिलता है आपको, थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए और यहाँ से डुप्लीकेट एज ए लेयर एक कर लीजिए और इसको लेके आ जाएंगे आप शुरू में, जहाँ पे देखेंगे कि ये वाला मेरा चेंजेस हो रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको देख लीजिए कुछ इस तरीका से ये दिखेगा, ऐसे आ रहे हैं, तो देखेंगे लगभग आप अगर सेकेंड लेयर ये देख लीजिए, एक सेकेंड लेयर है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए एक सेकेंड लेयर है और ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है ना। तो आपको यहीं पे आना है और इसके बाद से इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके बाद से ये टीवी टाइप का है यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद और ये राइट साइड में कर लेंगे, अगर आप दोस्तों इस साइड से शूट किए हैं तो ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाएगा, तो अब आपको ये वाला शूट सेलेक्ट करना होगा। मैंने इस तरीके से किया इसीलिए ये राइट वाला सेलेक्ट करता हूँ और इसको दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा सा मैच कर लेंगे, ठीक है ना। मैच कर लेंगे तो और भी अच्छा तरीके से आपका लगेगा। अब मैं एक बार ऐसे करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने ये थोड़ा सा आगे रख दिया है इसीलिए ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ से ये चलना स्टार्ट कर रहा है वहाँ पे हमको रखना है दोस्तों, तो यहाँ पे ये रखते हैं। देखिए अब देखिए कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट कर लेना होगा दोस्तों, इसी तरीके से एडजस्ट करेंगे। अब आपको क्या करना है, इसी वीडियो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक एनिमेशन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो ये एनिमेशन वाला पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फेड वाला ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। फेड वाला क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 1.5 का स्पीड में आप रख देंगे, ठीक है ना, तब आपका थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए इस तरीके से कुछ चेंज हो रहा है, काफ़ी अच्छा तरीके से हो जा रहा है। अब इसमें दोस्तों स्मोक इफेक्ट लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, परफेक्ट स्मोक इफेक्ट आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे लगाएंगे। जाएंगे मीडिया पे जाएंगे और स्मोक इफेक्ट वाला को यहाँ से हम लेके आ जाते हैं, ठीक है ना, ये लेके आ गए। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बड़ा कर लेंगे, आप बड़ा कर लेंगे, जितना बड़ा करेंगे उतना दूर तक आपका दिखाई देगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कर लेते हैं, उसके बाद से राइट साइड में कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, यहाँ पे क्रोमा की में जाइए और यहाँ से इसको कलर सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से इनेबल कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर देंगे, परसेंटेज वाला ऑप्शन को एडजस्टमेंट कर देंगे, और भी अच्छा से करना है तो इसी पर क्लिक करेंगे। नीचे में आएंगे दोस्तों, यहाँ पे एक कलर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, बेसिक वाला ऑप्शन पे जाएंगे
और यहाँ पे देखेंगे ब्लैक एंड वाइट दोस्तों एक होता है, तो ब्लैक एंड वाइट वाला जो होता है वो आप चूज़ कर लीजिए तो सबसे बेटर होता है। ठीक है, ये वाला B32 जो है वो आप सेट कर लेंगे। और मैं अगर आप प्ले करके दिखाता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से स्मोक इफेक्ट प्लस वो चला जा रहा है। दोस्तों उनका वीडियो में आप देखे होंगे कि फर्स्ट पार्ट जब वो एक्टिंग करते हैं तो वो जूम करके जाता है दोस्तों, तो वो कैसे जाता है वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ तक आप एक्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सीजर पे क्लिक करके स्प्लिटेड प्लेहेड करके काट लेंगे और इस वीडियो पे दोस्तों क्लिक करेंगे। यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन हम देख रहे हैं, ये वाला ऊपर वाला ऑप्शन को दोस्तों यहाँ से सिलेक्शन आप करेंगे कुछ इस तरीका से। और ये जो ऊपर में ही रहेगा, ये ऊपर में देखेंगे सिलेक्ट है तो रेड है, तो यहीं पे रहेगा। यहाँ पे दो उंगली से पकड़ के दोस्तों इस तरीके से आप जूम करेंगे कुछ, और उसके बाद से यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसको आप अगर प्ले करते हैं तो देखिए किस तरीके से जूम होके बाहर जा रहा है और ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो है वीडियो का वो कट कर लेंगे, और इसमें साउंड ऐड करने के लिए दोस्तों लेयर पे जाएंगे, फिर मीडिया पे जाएंगे और उस गाने को लेके आ जाएंगे जो साहिल भाई का वीडियो है। तो ये वीडियो है, नीचे में आके एक्सेक्ट ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है, तो एक्सेक्ट ऑडियो करेंगे, वीडियो यहाँ से डिलीट कर दीजिए और आपका देख लेंगे यहाँ तक का मेरा ज़रूरत है, बाकी जितना है सब यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, जय माता दी, जय हिंद।